नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पैजियो वापे ऑटो डीएक्स BS6 डीजल 2020 मॉडल का। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और हाइलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। गाड़ियों के बारे में और को जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा श्री विनायक मोटर्स को, क्योंकि उन लोग का सपोर्ट की वजह से वीडियो बन पा रहा है और यहाँ पर अभी सभी BS6 गाड़ियाँ अवेलेबल है। बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस से। इसका एक्स शोरूम प्राइस शुरू होता है 2,40,000 रुपये से और इसका ऑनरोड प्राइस लगभग 2,70,000 रुपये तक हो सकता है। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो सामने आपको आपे ऑटो डीएक्स का क्रोम फिनिश बैजिंग देखने को मिलता है। राइट साइड में आपको BS6 का बैजिंग देखने को मिलेगा। बीच में आपको पैजियो का लोगो भी देख सकते हैं और यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन पोल टाइप हेडलैम्प, उसके साइड में नॉर्मल इंडिकेटर और नीचे आपको पावर मैक्स 599cc का वाटर कूल इंजन के बारे में स्टिकरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। इसमें लगा गया है 10 इंच का टायर 8 प्लाई रेटिंग के साथ। सस्पेंशन में सामने हेलिकल कंप्रेशन और पीछे रबर कंप्रेशन, हाइड्रोलिक टेलीसकी शॉक ऑब्जर्वर लगा गया है। बात करें दोस्तों इसका साइड लुक की, तो फिर आप इसका एक ओवरऑल साइड लुक को भी दे सकते हैं। इसका जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 245 mm और इसका व्हील बेस है 1920 mm, और आप इसका पीछे का लुक को भी दे सकते हैं। और साइड में आपको ऑटो डीएक्स क्रोम फिनिश में लिखा हुआ भी देखने को मिलता है। बात करें इंजन की, इसमें लगा गया है सिंगल सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड वाटर कूल डायरेक्ट इंजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 599cc, जो कि मैक्सिमम 9.39 HP का पावर 3600 RPM तक और 23.5 Nm का टॉर्क 2200 RPM तक प्रोड्यूस करता है। कंपनी इसका माइलेज क्लेम करता है 36 km/L। इसका मतलब आप 1 लीटर में इसे 36 km तक चला सकते हैं। और यह है इसका फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10.5 लीटर्स। चले दोस्तों देखते हैं इसका ड्राइवर केबिन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है एक बड़ा सा बोतल होल्डर, और यह है इसका बैटरी जिसका आउटपुट है 12 volt DC 50 Ampere तक। और ड्राइवर सीट के नीचे आप देख सकते हैं यह है इसका स्पेयर टायर। लॉन्ग जर्नी के लिए इसमें बैकरेस्ट भी दिया गया है। और ड्राइवर सीट की बात करें तो इसका ड्राइवर सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है दोनों साइड में, और यह है इसका लॉकेबल ग्लोव बॉक्स। आप अपने ज़रूरी सामान को यहाँ पर रख सकते हैं। और इसका स्विच कंट्रोल की बात करें तो फिर आप देख सकते हैं यह है इसका नॉर्मल स्विच कंट्रोल्स। इसका ट्रांसमिशन है 5 speed, 5 forward और 1 reverse gear आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको पैजियो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए स्पेस मिलता है। और यह है दोस्तों इसका की होल, और ऊपर आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको टोटली एनालॉग में देखने को मिलेगा। और आप इसका फ्रंट व्यू को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका रीडिंग लाइट्स देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं खुद बैठकर आपको दिखा रहा हूँ। और आप इसका फ्रंट व्यू को भी देख सकते हैं, और आप स्क्रीन पर इसका और कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स को भी देख सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका डोर्स। आपको इसमें दोनों साइड में लॉकेबल डोर्स देखने को मिलता है, जो कि इसका सेफ्टी को और भी बढ़ा देता है। और इसका लेग रूम बहुत ही स्पेशियस है 3 लोग बैठने के लिए, इसमें आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। और इसका सीट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और इसका जो लगेज एरिया को भी आप देख सकते हैं, इसका लगेज एरिया बहुत ही बड़ा है। आप पीछे बहुत ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं। इसका आप कैनोपी को भी देख सकते हैं, इसका कैनोपी भी बहुत ही मजबूत है। कंपनी के तरफ से आपको इसमें 42 month का वारंटी मिलता है। ये था दोस्तों इस गाड़ी का एक कंप्लीट रिव्यू। आप लोगों को ये गाड़ी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।